ऐसी बीसी भाई भाई ये सिंधी कौम कहां से आई। बबलू सिंह राठौर का बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटने के बाद उन्होंने की अपने समाज की बैठक। राठौर समाज के हजारों लोग हुए एकत्रित। जातिवाद का दिखा पूरा असर। हो सकता है बीजेपी को नुकसान। मेरा निवेदन है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दूं, तो क्या मैं आपके आदेश पे जो भी करूं क्या मेरे साथ हो? तो मैं सोमवार को पर्चा दाखिल करने जाऊंगा और यहाँ की धरती को हिला दूंगा। आपको ऐसा कराऊंगा क्या मेरे साथ हो? बबलू सिंह राठौर गोल्डी ने की अपने समाज की बैठक, जिसमें काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। बबलू सिंह राठौर गोल्डी का कहना, वह सोमवार को करने जाएंगे नामांकन, उसी दिन तय करेंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव में सोमवार को पर्चा दाखिल करने जाऊंगा 11 बजे और मैं जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा। कवे कुचले हम लोग बने रहे, हम लोग खाली वोट डालने के काम में आए, हम अपना हक अधिकार कभी उनसे नहीं मांग सके, ना अपने आदमी को पीड़ा सुना सके। जहाँ जाओ वहाँ पर हम लोगों को खाली वोट के लिए यूज किया जाता है, चाहे कोई भी दल हो। आज ये मेरे साथ नहीं, मेरे समाज के साथ, मेरे सर्व समाज के साथ ये सब कुछ किन लोगों ने किया, एक सोची समझी प्लानिंग के साथ। मेरा निवेदन है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दूं। गौरतलब है कि फिरोजाबाद विधानसभा का जो राठौर समाज का वोट था, वह अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जाता था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटने के बाद बबलू सिंह राठौर फिर भी चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सिटिंग विधायक मनीष असीजा के वोट बैंक में आ सकती है दिक्कत। चुनाव में सोमवार को पर्चा दाखिल करने जाऊंगा 11 बजे और मैं जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा। मेरी टिकट कटी नहीं है, यहाँ के नगर विधायक ने चंद दलालों को खरीद कर और मैं जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।